स्वामी त्याला स्वरूप What's up? Welcome back to my channel and welcome back to a brand new day and a brand new vlog. So, आज हमारी सवारी चल पड़ी है मजनू का टीला. बेसिकली दिल्ली में ऐसी बहुत सारी प्लेसेस हैं जिनके बारे में मैंने सुना तो है लेकिन खुद जाके पर्सनली कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया है. एंड मजनू का टीला भी उनमें से एक है. मैंने बहुत सुना है मजनू के टीले के बारे में. वहाँ पे एक मॉनेस्ट्री है, वहाँ पे तिब्बतन मार्केट है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं. सो आई एम वेरी क्यूरियस एंड वेरी एक्साइटेड टू एक्सप्लोर दैट होल प्लेस. एंड साथ ही साथ मैं ना सोच रही हूँ कि ऐसे एक सीरीज करूँ जिसमें दिल्ली की कुछ चीज़ें जिनको मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया पर्सनली उनको जाके एक्सप्लोर करती हूँ. एंड साथ ही साथ मुझे पता है आप लोगों में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे मेरी तरह जिन्होंने भी ऐसी चीज़ों के बारे में सुना तो है लेकिन जाके पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया, उनके रिव्यूज ऑनेस्ट रिव्यूज नहीं पता है. सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर आप ऐसी कोई सीरीज देखना चाहते हो. मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगे ऐसे ब्लॉग्स बनाने में. एंड यस, बाय द वे आज चल पड़े हैं हम लोग मजनू का टीला एंड फटाफट से अभी निकलूंगी. सो आई होप आप लोगों को बहुत मजा आएगा देखने में एंड पूरे उस जगह को एक्सपीरियंस करने में बेसिकली मेरे साथ. सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर अडू नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, मजनू का टीला जाने के लिए बेस्ट वे है बाई मेट्रो. मेट्रो से अगर आप राजीव चौक से जा रहे हो सो आपको लेना होता है टूवर्ड समयपुर बादली की ओर. कार और बाइक से जाना अवॉइड करें क्योंकि बहुत कंजस्टेड है. सो आप लोगों को पार्किंग की दिक्कत आएगी. एंड जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है विधानसभा मेट्रो स्टेशन. कैसे आज मेरे साथ ये दोनों भी घूमने वाले हैं. तो विनीता एंड विशाल दोनों ही मुझे मिल गए हैं एंड आज फॉर्चुनेटली विशाल का बर्थडे भी है. सो अभी चलते हैं एंड एंजॉय करेंगे वहाँ पे जाके. एंड आपको विधानसभा उतरने के बाद गेट नंबर 2 से एग्जिट लेना होता है. गेट नंबर 2 से एग्जिट लेते ही आपको बहुत सारे ऑटो ई रिक्शास वगैरह मिल जाएंगे. वहाँ पे आपको 20 रुपीज में बहुत प्यार से आपको मजनू का टीला ड्रॉप कर देंगे. सो गाइज, ऑटो एंड ई रिक्शा वाले आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उतारेंगे जहाँ पे आपको ये फुट ओवर ब्रिज दिखेगा. आपको बेसिकली फुट ओवर ब्रिज जो है वो पूरा क्रॉस करना होता है तभी आप लोग मजनू का टीला की उस साइड रोड पे जा पाओगे क्योंकि वो पर्टिकुलर प्लेस ब्रिज के ऑपोजिट साइड ही है. सो गाइज, जैसे ही आप ये ब्रिज क्रॉस करते हो आपको सीधा लेफ्ट टर्न लेना है. कुछ ही देर चलने के बाद आपको ये न्यू अरुणा नगर कॉलोनी का ये गेट दिख जाएगा एंड यही है बेसिकली मजनू का टीला जाने का एंट्रेंस. यही रीज़न है मैं आपको बोल रही थी कि कार या बाइक से आने का रिस्क बिल्कुल ना ले क्योंकि बहुत नैरो सी रोड्स है. आप जैसे इसको एंटर करते हो आपको लाइन वाइज शॉप्स दिखेंगी. लेफ्ट राइट दोनों ही तरफ आपको काफ़ी सारे शॉप्स दिख जाएंगे. क्लोथिंग आइटम्स मिल जाएगा जिसमें आपको टी शर्ट्स, स्निकर्स, जैकेट्स, काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी. ये जो पर्टिकुलर टी शर्ट मैं देख रही हूँ 200 रुपीज़ का है. काफ़ी कलरफुल डेली वेयर पहनने के लिए बहुत अच्छा अच्छा टी शर्ट यहाँ पे मिल जाएगा. जो स्निकर्स है वो आपको फर्स्ट कॉपीज की भी दुकान मिल जाती है यहाँ पे. बस आपको स्मार्टली थोड़ा देखना है एंड समझना है कौन सा स्मार्ट कॉपी है. देन आपको होम डेकोर्स की काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएगी. स्पेशली तिब्बतन होम डेकोर्स अगर आप शौकीन हो या फिर आपको इंटरेस्टेड है लेने में देन आप यहाँ से शॉपिंग कर सकते हो. उसके बाद थोड़ी दूर चलने के बाद आपको ये शॉप दिखेगा जहाँ पे आपको डिफरेंट कोरियन फूड्स देन टीज कॉफ़ी वगैरह मिलेगा. थाई कॉफ़ी हो गया, देन डिफरेंट फ्लेवर्स के टीज हो गया, कोरियन नूडल्स हो गया, ये सब आपको मिल जाएगा. हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं थाई कॉफी एंड ये बहुत ही बड़ा 1 kg का पैकेट है थाई कॉफी का. ये लेने का कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करना है. एंड ये आप क्राउड देख रहे हो, आज सैटरडे है और इतना ज्यादा क्राउड है ये जगह. ओके, ये है बेसिकली द होल सेंट्रल मार्केट का मजनू का टीला स्पेस जहाँ पे हमेशा क्राउड रहता है. अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है 12 o'clock आई एम सॉरी. एंड ये है पूरा तिब्बतन मॉनेस्ट्री. गाइस, देखने में ये जगह काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है. लोग यहाँ पे सेल्फीज ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, कुछ ना कुछ हर कोई बिजी है. एक मिनट के लिए जगह बिल्कुल भी खाली नहीं रह रहा. It don't matter where we go. It don't matter where we stay tonight. Cause when I'm with you, yeah, I know everything will be.
सब मजनू का टीला मॉनेस्ट्री तो दर्शन हो गया, अब खाएंगे हम लोग लाफिंग। क्योंकि मजनू का टीला पहली बार आए हैं, लाफिंग ना खाए ऐसा तो हो नहीं सकता। सो यहाँ पे दो शॉप्स आपको बिल्कुल लाइन वाइज मिल जाएंगी, जहाँ पे लाफिंग्स आपको बनाती हुई आंटी दिख जाएंगी। और ये रोटी इस चीज की होती है, मैदा और आटा। ओके supposed to goodbye to the past letting go of the darkness फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ लाफिंग्स, टूट जाएगा इससे। ओह माय गॉड, शॉमिंग द स्ट्रोक। क्या समझ रहा है? अच्छा है। Good. It is good, but spicy है थोड़ा। Oh, अच्छा हो गया। मारा भी तो वाइट होगा। Tasty है, but अगर कभी भी spice tolerance कम हो किसी लोगों में, bone fry मत करना। बहुत spicy है, although मैंने less spicy बनाया तब भी। तो जब खाते हैं ना तो बहुत टेस्टी लगता है, लेकिन धीरे धीरे फिर जब स्पाइस हिट होना स्टार्ट होता है ना, वो एक अलग फीलिंग है, पता है। लेकिन जिनको स्पाइसी खाना पसंद है उनके लिए तो बहुत ही बहुत मस्त है। दिस इज सो सॉफ्ट, है ना, बाहर से सॉफ्ट अंदर से क्रंच, टेक्सचर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कैसा लगा विशाल? ऑनेस्ट स्पाइसी? कुछ तो है जो मतलब मुझे क्लिक नहीं हो रहा। हाँ, लाफिंग्स खाना हो गया, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था लाफिंग्स खाने का, ठीक ठीक लगा। ऑनेस्टली बताओ, जिनको स्पाइस टॉलरेंस बिल्कुल भी नहीं है वो इस डिश को कभी ट्राई मत करना, क्योंकि अदरवाइज मुंह बिल्कुल जलने वाला है। लेस स्पाइसी बोलना कभी भी बनावा हो इनको, तो और मिशो भाई भाई खा सकते हैं। इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। ये गिलगिला चपाती कह रहा, गिलगिला चपाती। तो गाइज, अगर मैं लाफिंग्स का ऑनेस्टली रिव्यू दूँ ना तो इट वॉज डिलीशियस, बट उन लोगों के लिए जिनको स्पाइसी खाना पसंद है उनके लिए तो इट वॉज सो गुड। लेकिन जिनको स्पाइसी खाना पसंद नहीं है या स्पाइस टॉलरेंस कम है, वो लोग इस खाने को कभी ना ट्राई करें। एंड अगर फिर भी आपको बहुत ज़्यादा मन कर रहा है ट्राई करने का, तो बनाने से पहले इंस्ट्रक्शन दे दें कि बिल्कुल कम स्पाइसी बनवाने के लिए। हमने कम स्पाइसी बनाया था, बट स्टिल मुझे बहुत देर तक वो स्पाइस जो हिट होता रहा एंड बहुत खांसी आ रही थी उसके बाद। बट टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है, टेक्सचर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सो वो चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। काफी फ्लेवरफुल है, काफी अच्छा लगता है। सो मैं कह सकती हूँ कि जिनको पसंद आएगा उनको तो बहुत ज्यादा पसंद आएगा, बट जिनको पसंद नहीं आएगा उनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। बट मेरे लिए ये अच्छा था, टेस्टी था। तो अब लाफिंग खाने के बाद हम लोग थोड़ा और आगे चले, हमें दिखा ये शॉप जो कि था बबल टी का शॉप, एंड उसी के ठीक लेफ्ट हैंड साइड में ये कोरियन ग्रोसरी की शॉप है, जहाँ पे आपको कोरियन नूडल्स, डिफरेंट डिफरेंट कैंडीज, उसके बाद मार्शमेलोज, देन
कॉफ़ी, टी, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। मैंने यहाँ पे अपने घर के लिए 2 कोरियन नूडल्स उठाया एंड मैंने पहले भैया से पूछ लिया था कि कौन सा नूडल्स लेस स्पाइसी है, मुझे वो बताओ, मैं वो लेके जाऊँगी। सो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि ये वाला जो है बेस्ट सेलर है। सो मैंने अपने घर के लिए 2 उठा लिया था ये एंड 1 विनीता के लिए उठा लिया था। एंड देन मैंने 2 शैशेज लिए थे जो कि थे थाई कॉफ़ी के, क्योंकि वो जो बड़ा वाला पैकेट था वो तो मतलब ले जाने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि अगर बाई चांस ख़राब निकलता फिर मुझे पूरा ख़त्म करना पड़ता। सो इसलिए मैंने छोटे वाले 2 शैशेज लिया है कॉफ़ी का। सो यस, आई एम वेरी एक्साइटेड एंड मैं बहुत ही जल्द इन नूडल्स को ट्राई करने वाली हूँ। मैंने इससे पहले कभी भी कोरियन नूडल्स ट्राई नहीं किया है। तो इसके बाद हम लोगों ने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोबा की वैरायटी या बबल टी की वैरायटी, कुछ भी कह सकते हो आप। लेकिन हम लोगों ने डिसाइड ये किया कि थोड़ा सा पहले और आगे चलते हैं, थोड़ा और मार्केट एक्सप्लोर करते हैं, देन विल हैव बोबा। तो अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो ना, आपको काफ़ी सारे ग्रॉसरी शॉप दिखेंगे जहाँ पे आपको कोरियन एंड तिब्बतन बहुत सारी फूड्स वगैरह मिल जाएगा। एंड यहाँ पे कोरियन नूडल्स थे, तिब्बतन फूड था, कैंडीज था, बहुत कुछ था यहाँ पे। लाइक आप अगर कोरियन खाने के शौकीन हो ना तो आप डेफिनेटली इस जगह पे आके बहुत इंजॉय करोगे। एंड देन थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हमें कुछ क्लोथिंग की शॉप्स दिखती है जहाँ पे आपको कॉटन के कुर्ते, शॉर्ट कुर्तीज वगैरह बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। देन बेसिकली ये जो पूरी आप सड़क देख रहे हो, यहाँ पे लाइन वाइज से दोनों ही तरफ आपको मार्केट दिख जाएगा, कहीं टी शर्ट की शॉप्स, कहीं स्नीकर्स के शॉप, कहीं कैफेज एंड एवरीथिंग। सो यहाँ पे आपको तिब्बतियन एंड कोरियन क्यूजीन की काफ़ी सारी वैरायटी ऑफ ऑप्शंस दिख जाएंगे, आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज मिल जाएंगे। टीडी बहुत ही फेमस कैफे है। आंटी ये कितने के हैं? तो गाइस आप कह सकते हो कि ये एक मिनी तिब्बत मार्केट है, क्योंकि दिल्ली की बाकी और मार्केट्स की तरह यहाँ पे भी आपको हर एक चीज़ ऑलमोस्ट मिल जाएगा, स्लीपर से लेके बैग से लेके A to Z हर एक चीज़ आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगा। एंड आप ये लेन देख रहे हो कितना सुंदर है, लाइक यहाँ पे फ्लैग्स लगी हुई है दो, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। एंड हम लोग यहाँ पे क्रॉक्स देख रहे हैं। इस शॉप में ना बहुत ही वैरायटी, डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्रॉक्स थे जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। एंड काफ़ी देर से आमा कैफ़े ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आमा कैफ़े अगेन एक बहुत ही फेमस कैफ़े है, आप सभी को पता होगा। सो आमा कैफ़े ढूंढते ढूंढते हमें अब जाके मिला है आमा कैफ़े। एंड फाइनली अब ऊपर जाते हैं आमा कैफ़े के। फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं आमा कैफे। अब पता नहीं जाके सीट्स मिलेगी या नहीं, वो देखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड है। गाइज मेरे को जिस चीज़ का डर था वही हुआ, ओवर क्राउडेड होने के कारण 1.5 hours की वेटिंग है। सो एम्बियंस वगैरह बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन इतना ज़्यादा वेटिंग है इतने लंबे टाइम तक। सो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग क्रॉसवॉक पैक करवाते हैं एंड हम लोग निकलते हैं। बट द एम्बियंस इज़ सो गुड, यहाँ पे इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी कॉफ़ी की, लाइक मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही अच्छा था। गैलरी में भी सिटिंग अरेंजमेंट अब है, अगर आप चाहो तो आप बैठ सकते हो। बट इस बार हम अनफॉर्चुनेटली हमारा आमा कैफ़े में कुछ खाना नहीं हो पाया, हमने सिर्फ क्रॉसवॉक पैक कराया। एंड हम चल पड़े आगे किसी और कैफ़े के खोज में। एंड आगे अगेन बहुत सारे आपको शॉप्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको क्रॉप टॉप, ड्रेसेस वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो आप यहाँ पे आओगे ना तो आप लोग बहुत मज़े करोगे, आप लोग काफ़ी चीज़ें शॉपिंग कर सकते हो एंड काफ़ी कैफ़ेज इन्जॉय कर सकते हो। We kept running from the shadows in the night, realizing it was not.
हम लोग अभी आ चुके हैं वोंगडेन कैफे एंड यहाँ का अंदर का एम्बियंस इतना सुंदर है, इतना सुंदर लाइक ये अंदर का एम्बियंस है। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, जो बाहर का एम्बियंस है वो अंदर के एम्बियंस से भी काफ़ी गुना ज़्यादा अच्छा है। लाइक इस सिटिंग एरिया को देख के ही ना, इस पर्टिकुलर स्पॉट को देख के बिल्कुल डेट नाइट वाली फीलिंग आती है। ये बिल्कुल परफेक्ट है डेट नाइट्स के लिए एंड काफ़ी यंग क्राउड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको एशियन फूड, कॉन्टिनेंटल फूड, लाइव किचन एंड फ्रेश बेकरी, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। एंड मुझे लगता है कभी कभार ना हम लोगों को जो चीज़ें फेमस ना हो वो भी एक बार एक्सप्लोर करके देख लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमें आमा में सीटिंग मिल जाता देन हम लोग यहाँ पे कभी नहीं आते हैं, हमें इस जगह के बारे में कभी पता नहीं चलता। सो यस, मुझे लगता है आमा से भी ज़्यादा अच्छा एम्बियंस है इसका, क्योंकि आमा का एम्बियंस मैंने आपको अभी दिखाया है। एंड आज है विशाल का बर्थडे, सो विनीता मेरा है कुछ स्पेशल प्लान्स, लेकिन सबसे पहले अभी करते हैं कुछ खाने के लिए ऑर्डर, क्योंकि लगी है बहुत तेज भूख। एंड देन हम लोग करेंगे इसका बर्थडे सेलिब्रेट, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी थोड़ी बहुत प्लानिंग कर रखी है। तो हम लोगों ने ऑर्डर किया है ये पेरी पेरी फ्राइज, इसके साथ ये डिप है, साथ ही साथ वोंगडेन स्पेशल वेज पिज्जा एंड साथ ही साथ ये मैंगो आइस टी। बहुत ही यम्मी खाना है यहाँ का। एंड साथ ही साथ विशाल का बर्थडे है, सो कुछ स्पेशल करना तो बनता है। सो विनीता मेरी तरफ से एक छोटा सा अरेंजमेंट विशाल के लिए। Happy birthday dear Vishal, happy birthday to you. Chalo. सो अब सारा कुछ खाने पीने एंड सेलिब्रेशन करने के बाद हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं अब। एंड बहुत सारी सेल्फीज क्लिक करवाई है हमने, ओके। एंड रास्ते में जाते जाते हम लोगों को दिखा ये कॉर्न डॉग, जो कि पेट में जगह ना होने के कारण हम लोग तो ट्राई नहीं कर पाए, लेकिन कोई और बनवा रहा था अपने लिए। सो आप लोगों के लिए एक छोटा सा ग्लिम्स, इन केस अगर आप कभी ट्राई करना चाहो तो ये ऐसे सर्व होता है। देन विशाल ने देखा अपने लिए कुछ टी शर्ट, सो विशाल खरीद रहा है ये टी शर्ट। कितने का है ये? 450 का। एंड यहाँ पे आपको ऐसे टाइप के बहुत सारे बैगी बैगी कोरियन टी शर्ट्स मिल जाएंगे। आजकल कोरियन ट्रेंड बहुत ज़्यादा उसमें है, कोरियन ट्रेंड बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। वाओ, दो कितने बार ट्रेंड आया आप लोग खुद काउंट करके बताना। ये मेरे को एल में चाहिए, बट ये ओनली स्मॉल में है। ये स्मॉल इतना ज़्यादा है, ओवरसाइज है ना। फिर मैं एल में लूँगी तो मैं तो फिर खो ही जाऊँगी। ये मुझे सही आएगा, ये मेरे को सही आएगा ना। सो कैफे से निकलते वक्त भी हम लोगों ने काफी सारे शॉप पे जाके एक्सप्लोर किया। जो चीजें सुबह बंद थी, जो शॉप्स वो अब खुल चुकी थी। एंड काफी सारे समरी ड्रेसेस भी देखे, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे, कॉटन के स्टफ्स। एंड टी शर्ट्स की तो मैं बात ही क्या करूँ। आप लोगों में से किसी को अगर वो जेंजी वाइब फॉलो करना पसंद है, लूज लूज कोरियन टी शर्ट्स, देन दिस प्लेस इज हेवन फॉर यू गाइज। देन सीरियसली बहुत अच्छे अच्छे आपको कलेक्शन मिल जाएंगे टी शर्ट्स के। क्वर्की प्रिंट्स है, लूज लूज टी शर्ट्स, बहुत ही ओवरसाइज वाले, बहुत प्यारे लग रहे हैं देखने में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें ट्राई करना था बबल टी, क्योंकि गाइस बबल टी या बोबा कुछ भी कह लो बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड आप लोगों के लिए ये तो मुझे ट्राई करना ही था कि इसका टेस्ट कैसा है। एंड यहाँ पे आए हैं तो बबल टी बिना ट्राई किए तो हम जाएंगे नहीं, चाहे कितना भी पेट भरा हो, कुछ भी हो। सो अभी करते हैं ट्राई, ऑर्डर कर दिया है, जैसे ही मिलेगा देन मैं ट्राई करके आप लोगों को बताती हूँ। गाइस ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसको खा के मेरा पूरा मूड ऑफ हो गया, विच इज नॉट अ बोबा। इसको खा के हम बोबा बन चुके हैं। आई सीरियसली डोंट लाइक इट। मुझे लैपिंग्स फिर भी अच्छा लगा, लेकिन मुझे बोबा तो बिल्कुल, विशाल को बहुत अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है कि ना
विशाल को बैक आ जाएगी। So people, एक सेकंड, इसको आप लोग डिसाइड कीजिए, इसको आप पीके खाओगे या खा के तो गाइस बोबा का एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत ही गंदा रहा, लेकिन एक चीज़ अच्छा हुआ, जाते जाते यहाँ से यहाँ की जो मॉनेस्ट्री है वो खुल चुकी थी जो कि मॉर्निंग में क्लोज था। एंड ये काफ़ी अच्छा लग रहा था खुलने के बाद, अंदर का हम देख पा रहे थे क्या है क्या नहीं। एंड मॉनेस्ट्री इज समथिंग जहाँ पे बैठ के आप प्रे कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, थोड़ी शांति मिलती है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड क्योंकि ये जगह बहुत फेमस है। एंड साथ ही साथ अब तो आप कह सकते हो एक छोटा सा टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, इसीलिए हमेशा ही क्राउडेड रहता है। अब हम लोग मजनू के टीले से निकल रहे हैं। सो गाइस कोरियन फूड तो एज सच हम लोगों ने कुछ ट्राई नहीं किया, लेकिन ओवरऑल जितना भी कुछ खाया पिया काफी अच्छा लगा, एक्सेप्ट दैट बोबा। स्पेशली मुझे लाफिंग्स बहुत अच्छे लगे एंड बाकी सारा एक्सपीरियंस मजनू के टीले का बहुत ही अच्छा था। अच्छा प्लेस है, आप लोग आके इन्जॉय करोगे। सो एक बार जरूर आना, जरूर ट्राई करना। एंड लाफिंग्स, इनको स्पाइसी फूड पसंद है, उनको डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है खाने में। एंड यस गाइस, भी मैं जा रही हूँ विनीता के घर एंड विशाल जा रहा है अपने घर, क्योंकि उसके और भी बहुत सारे प्लान्स हैं, क्योंकि उसका बर्थडे है, ऑफ कोर्स प्लान्स तो होंगे ही। साथ ही साथ हम लोगों ने रात को डिनर खाया एंड डिनर में हमने साउथ इंडियन खाया। एंड मजनू के टीले के इस ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं। कैसा लगा है, कैसा नहीं, प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दो। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।